जिनकी गूगल में नौकरी लगी है, जिनकी एडोबी में नौकरी लगी है, उन लोगों ने मिलके इस गाइड पाथ को बनाया है। अब तुम्हारे अंदर आएगा यार मेरा ना कोई टॉपिक वीक है, तो हमारे पास एक्चुअली प्लेटफॉर्म पे एक इंटरव्यू प्रॉब्लम सेक्शन है, उस पर 2000 प्लस इंटरव्यू प्रॉब्लम्स हैं। सारी कंपनीज ऑलमोस्ट, अमेजोन से लेकर ओला से लेकर जोमैटो, सारी कंपनीज ऑलमोस्ट कवर्ड है। इवन जो स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स हैं वो भी सारे कवर्ड है। मॉक टेस्ट सीरीज भी आ गई है, राइट, फॉर अमेजोन, फॉर माइक्रोसॉफ्ट, फॉर गूगल, फॉर TCS, फॉर विप्रो, बहुत सारी कंपनीज के लिए आने वाली है, बहुत सारी कंपनीज के लिए ऑलरेडी आ चुकी है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स करनी है। नॉट ओनली ऑन अवर प्लेटफॉर्म, तुम्हें कोड फोर्सेस, कोड शेफ पे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए वो भी हमने अपने गाइड पाथ में दे रखा है। Hi, myself Parikh here. Sir, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ हमारे पब्लिक प्लेटफॉर्म कोड स्टूडियो के बारे में, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस चीजों तक सब कुछ है। मतलब अगर तुम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो भी तुम्हारे लिए है, अगर तुम बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स वगैरह सॉल्व करना चाहते हो, इंटरव्यूज की तैयारी करना चाहते हो, टॉपिक्स लाइक OS, DBMS, सिस्टम डिजाइन, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है ना, सब कुछ बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से अवेलेबल है, एक ही जगह अवेलेबल है, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस प्लेटफॉर्म को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है उसके बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं उस पर। सो वी शुड हैव अ स्ट्रक्चर्ड वे टू यूटिलाइज दैट प्लेटफॉर्म, कि पहले क्या करें, हम इस फेज में तो क्या करें, हम थोड़े से बिगनर हैं तो क्या करें, हम एडवांस लेवल में हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो सब कुछ है। सो आई विल बी टॉकिंग दैट हाउ टू यूटिलाइज कोड स्टूडियो इफेक्टिवली, है ना। सो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना और फिर उस प्लेटफॉर्म को भी विजिट करना, तुम्हें ढंग से समझ में आ जाएगा, तुम्हारी लर्निंग बहुत सही होगी। एक ही प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सब कुछ मिल गया है, सब कुछ फ्री में मिल गया है, सो अब उसको इफेक्टिवली यूज कर लेते हैं और अपना टाइम अच्छे से प्रोडक्टिव तरीके से निकालते हैं, ठीक है। सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। पसंद आए वीडियो, पसंद आ रहा है प्लेटफॉर्म, कोई भी फीडबैक हो शेयर करो कमेंट्स में, लाइक करो वीडियोस को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बिल्कुल फ्री है ना, अच्छे से पढ़ाई करो, एंड वी ऑल वॉन्ट कि तुम अच्छे से सीखो और अपनी लाइफ में अच्छा करो, ठीक है। सो शुरू करता हूं मैं कोड स्टूडियो के बारे में बताना, एंड थोड़ा सा इसको मैं 3-4 फेजेस के हिसाब से बताऊंगा कि तुम किस कैटेगरी में लाइक करते हो तो उस हिसाब से तुम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। देखो यार, अगर तुम एकदम बिगनर हो, है ना, अगर तुम एकदम बिगनर हो कि कभी प्रोग्रामिंग करी नहीं है, बहुत बेसिक्स ही करी है, तो तुम्हारे लिए गाइडेड पाथ्स बने हुए हैं कोड स्टूडियो में। टॉप पर एक गाइड पाथ सेक्शन होगा, उसके अंदर बेसिक्स ऑफ C++, बेसिक्स ऑफ जावा, बेसिक्स ऑफ पाइथन है, इन तीनों में से कोई भी एक गाइडेड पाथ एंड टू एंड कर लो, वो तुम्हें उस लैंग्वेज के बेसिक सिखा देगा, बेसिक कोड करना सिखा देगा, लूप्स, फंक्शंस, एरे, स्ट्रिंग्स, ऊप्स कॉन्सेप्ट ऑफ दैट लैंग्वेज बिल्कुल एंड टू एंड अच्छे से कवर्ड है। C++ की बात करें तो C++ के ऊप्स अच्छे से कवर्ड है, जावा की बात करें तो जावा के अच्छे से कवर्ड है, पाइथन की बात करें तो पाइथन की अच्छे से कवर्ड है ना। लैंग्वेज का कंफ्यूजन मत करना यार, C++ पहले से करी हुई है तो C++ वाले ही कर लो, या फिर मुश्किल हो रहा है लैंग्वेज सेट करना तो जावा एक मीडियोकर टाइप होती है, उसको यूज कर सकते हो। अगर बहुत ही ज्यादा सिंटैक्स से डर लगता है तो पाइथन चूज कर लो, ठीक है, बट करो, है ना, पीछे मत हटो, करो, एक्सप्लोर करो वो गाइड पाथ और बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। तो बिगनर वालों को अभी इंटरव्यू के क्वेश्चंस ये सब कुछ नहीं करना, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स कुछ नहीं करना, अभी बिल्कुल बेसिक सीखना है और कोड करना सीखना है, तो उनके लिए बेस्ट चीज है गाइडेड पाथ्स में जाओ, बेसिक ऑफ C++, जावा या पाइथन में से कोई सा भी एक अच्छे से कर लो, है ना। बेसिक फेज अगर तुम्हारा क्लियर है, अगर तुम्हें ऑलरेडी पहले से आता है तो तुम शायद सेकेंड फेज में लाइक कर सकते हो, विच इज यार मुझे बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की प्रैक्टिस करनी है या मुझे बेसिकली लर्न करना है, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरव्यूज में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो हमारे पास देखो प्लेटफॉर्म पे वैसे 2000 प्रॉब्लम्स हैं, बट अगर तुम्हें स्ट्रक्चर्ड वे में करना है कि पहले ये वाली प्रॉब्लम्स, फिर ये वाली प्रॉब्लम्स, फिर ये वाली प्रॉब्लम्स, तो हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का गाइड पाथ है, बहुत ही सोच समझ के, गूगल के, जिनकी गूगल में नौकरी लगी है, जिनकी एडोबी में नौकरी लगी है, उन लोगों ने मिलके इस गाइड पाथ को बनाया है। 370 प्रॉब्लम्स है उसमें, टॉपिक वाइज एरे के स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है, स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है, लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है ना, ग्राफ्स का स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है, पूरा एकदम सीक्वेंस वाइज भी है कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तुम प्रॉब्लम करते हो, उसमें नोट्स हैं, बहुत सोच समझ के नोट्स बनाए हुए हैं, एल्गोरिथम्स के नोट्स हैं, स्लाइडिंग विंडो कैसे करते हैं, टू पॉइंटर्स कैसे करते हैं, हर चीज जो भी तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में पढ़नी है वो सारी कवर्ड है। एडवांस टॉपिक लाइक ट्राइज, राइट, जो कम लोग पढ़ाते हैं वो सब कुछ कवर्ड है ना, DQ भी कवर्ड है। सो बेसिकली सब कुछ जो भी हमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में पढ़ना है, उस कंटेंट को अगर तुमने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो मैं बता रहा हूं तुम इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो।
वो बहुत सोच समझ के प्रॉब्लम सिलेक्शन करी गई है। सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में वो सारे कवर्ड करे गए हैं। वो गाइडेड पाथ हमारा बेस्ट चलता भी है, ओवर 10,000 एनरोलमेंट्स उसमें ऑलरेडी हो भी चुके हैं, बहुत सारे लोग उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उससे सीख रहे हैं। तुम्हारा अगर तुमने नहीं करा एक्सप्लोर तो प्लीज उस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के गाइडेड पाथ को अच्छे से यूटिलाइज करो, उससे अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। सेकंड फेज के बंदे इसी में होते हैं जिन्हें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की पढ़ाई वढ़ाई करनी होती है, वो इस गाइडेड पाथ को अच्छे से एंड टू एंड कर लेंगे तो बहुत सही हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट आता है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम तो सही है, अब मुझे एक्चुअली कुछ कुछ इंटरव्यूज की तैयारी करनी है कि और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से। देखो इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले तो मैं बोलूंगा हमारे पास बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं, अराउंड 700 प्लस ऑलरेडी हो चुके हैं, हर हफ्ते 25 ऐड होते रहते हैं और जेन्युइन है एकदम। जो कंपनीज में जिन लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं तो उनको तुम रेफर करो, पूरा एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस का सेक्शन है। सारी कंपनीज ऑलमोस्ट अमेज़न से लेकर ओला से लेकर जोमैटो सारी कंपनीज ऑलमोस्ट कवर्ड है, इवन जो स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स हैं वो भी सारे कवर्ड है। तो बेसिकली तुम्हें किसी भी कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखना है कि उस कंपनी में क्या क्या पूछा जा रहा है, प्लीज यूटिलाइज दैट, है ना। वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस सेक्शन बहुत सोच समझ के बनाया गया है, फ्रेशर के लिए भी है, इंटर्नशिप्स के लिए भी है, राइट, और बेसिकली जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए भी है, सब लोगों के लिए वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस सेक्शन कवर्ड है। वहां से अच्छे से तुम देख सकते हो कि तुम्हारा कोई इंटरव्यू आ रहा है या तुम्हें इन जनरल देखना है कि अमेज़न के इंटरव्यूज में क्या आता है, गूगल के इंटरव्यूज में क्या आता है, तो वहां पर तुम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस का सेक्शन यूटिलाइज कर सकते हो। इंटरव्यूज की तैयारी के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के अलावा आई थिंक ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, सिस्टम डिजाइन, एप्टीट्यूड, ये सब चीजें अच्छे से पढ़नी पड़ती हैं। इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग भी जैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का गाइड पाथ था वैसे ही इन सब कॉन्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग भी गाइडेड पाथ्स हैं, राइट। OS की बात करूं तो OS में पहले नोट्स होते हैं, MCQs आते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, राइट। OS के कौन से Amazon में इंटरव्यू क्वेश्चंस आए हैं, पूरा इस गाइडेड पाथ में अच्छे से कवर्ड है, पूरा इंडस्ट्री लेवल का एक गाइड पाथ बना रखा है। सिमिलरली DBMS का है, DBMS के गाइड पाथ में पूरा एकदम स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेंट, पहले ये टॉपिक पढ़ना है, फिर नॉर्मलाइजेशन पढ़ना है, SQL प्रॉब्लम्स करनी है मुझे, वो भी उसके अंदर कवर्ड है। तो यू कैन नॉट ओनली सॉल्व कोड प्रॉब्लम्स, तुम SQL प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हो, तो किस चीज का वेट कर रहे हो, है ना। तो DBMS के गाइड पर तुम्हें एकदम बिल्कुल इंटरव्यू रेडी कर देगा, उसके अलावा उसके बाहर से इंटरव्यू में नहीं आने वाला, उसके अंदर DBMS के इंटरव्यू क्वेश्चंस कंपनी वाइज क्या क्या पूछे जाते हैं वो सारा कवर्ड है ना, एंड सब कुछ फ्री है, राइट। OS हो गया, DBMS हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स का बहुत जल्दी आने वाला है, एप्टीट्यूड हो गया और सिस्टम डिजाइन हो गया, हर किसी में हमने मेक श्योर करा है कि क्वालिटी टॉप नॉच हो, है ना, कि भाई एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में बंदे को मिले, MCQs जो कंपनी के आते हैं वो अच्छे से मिले और बेसिकली जो इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं वो बंदे को पता लग रहा हो कि इस टॉपिक से कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉर इंटरव्यूज अगर तुम्हें इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा इनके कॉरस्पॉन्डिंग हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग कोर्सेज भी हैं हमारे यहाँ, है ना। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ना है या बेसिकली हमें OS, DBMS, सिस्टम डिजाइन, इन सब चीजों की एक्चुअली लर्निंग ज्यादा करनी है, मुझे वीडियोस देख के ज्यादा समझ में आता है ना। तो बेसिकली तुम कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हो, तो दैट इज देयर। इन सब के गाइड पाथ्स को तुम अच्छे से एक्सप्लोर करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है एक्चुअली इंटरव्यूज के लिए, ठीक है। और इंटरव्यूज में क्या इंपॉर्टेंट होता है, देखो जैसे तुमने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का गाइड पाथ कर लिया, अब तुम्हारे अंदर आएगा यार मेरा ना कोई टॉपिक वीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग वीक है या बाइनरी ट्री वीक है या ग्राफ्स वीक है, तो हमारे पास एक्चुअली प्लेटफॉर्म पे एक इंटरव्यू प्रॉब्लम सेक्शन है, उस पर 2000 प्लस इंटरव्यू प्रॉब्लम्स है, राइट। इट्स एन एब्सोल्युटली अमेजिंग थिंग। तो 2000 प्लस इंटरव्यू प्रॉब्लम्स है, देखो अंदर 370 एक स्ट्रक्चर्ड वे में बना रखी थी, बट अगर तुम्हें लगता है डीपी की थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है उन 2000 में से डीपी टॉपिक को सेलेक्ट करो, उसके और क्वेश्चंस कर लो, राइट। ग्राफ को फिल्टर करो, अगर ग्राफ वीक है ग्राफ के और क्वेश्चंस कर लो, राइट। तो यू कैन स्ट्रॉन्गर योर टॉपिक, जो भी तुम्हारा टॉपिक वीक है इन जनरल उस टॉपिक को तुम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बहुत ही सही तरीके से तुम्हें मजा आएगा। मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूं प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारे प्लेटफॉर्म पे बेस्ट है, क्योंकि तुम्हें सॉल्यूशंस मिलेंगे, राइट। तीनों लैंग्वेज में, C++ भी, जावा भी, पाइथन भी, तीनों लैंग्वेज में तुम्हें सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, राइट। तुम्हें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या अप्रोचेस हो सकते हैं सारी कवर्ड होगा,
अप्रोच वन, अप्रोच टू, अप्रोच थ्री, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सी प्लस का सॉल्यूशन क्या है, जावा का सॉल्यूशन क्या है, पाइथन का सॉल्यूशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस जो भी हो सकती है हमारे हिसाब से वो हमने कवर्ड कर रखी है। तुम्हें लगता है कोई अप्रोच हमने मिसिंग करी है तो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, राइट। डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, हर प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग तुम प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्कस कर सकते हो कि तुम्हारे को आपस में यूजर्स, इतने सारे यूजर्स एक्टिव होते हैं, आपस में तुम बातें कर सकते हो कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ डिस्कशन करना है, दैट यू कैन डिस्कस देयर, राइट। तो प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सब कुछ हमें चाहिए होता है वो सब कुछ उस पर मिलेगा, है ना। तो इसलिए मैं इमेजिन करो कि तुम्हें इंटरव्यू में कोई भी तुम्हारा टॉपिक वीक हो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तुम्हें लैंग्वेजेस, तीनों लैंग्वेज में मिल रहे हैं सॉल्यूशंस, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए, है ना। हमारे को जो भी सीखना है हमें अच्छे से हम सीख लेंगे, ठीक है, दिस इज देयर। अब इसके अलावा जो हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इंटरव्यू के लिए हमें थोड़े टाइम टेस्ट देने होते हैं, राइट। हमें एक घंटे का टेस्ट देना है, हमें डेढ़ घंटे का टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट सीरीज भी आ गई है, राइट, फॉर Amazon, फॉर Microsoft, फॉर Google, फॉर TCS, फॉर Wipro, बहुत सारी कंपनीज के लिए आने वाली है, बहुत सारी कंपनीज के लिए ऑलरेडी आ चुकी है। तो प्लीज एक्सप्लोर दैट मॉक टेस्ट सेक्शन, उसके अंदर हर कंपनी के कॉरस्पॉन्डिंग, Amazon का फोन इंटरव्यू में क्या होता है, Amazon के ऑनलाइन राउंड में कैसे आते हैं टेस्ट, Amazon के इंटरव्यू राउंड में कैसे आते हैं टेस्ट, Microsoft में क्या होता है, Google के फोन इंटरव्यू में कैसे आते हैं, Google का बेसिकली इंटरव्यू राउंड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारा सोच समझ के हमने मॉक टेस्ट सीरीज बनाई है। उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करो, तुम्हें उससे टेस्ट, एक्चुअली टाइम टेस्ट देना जरूरी है ना कि एक घंटे में हो गया, डेढ़ घंटे में हमें टेस्ट देना है, Amazon का फर्स्ट टेस्ट कितनी देर का होता है, उसी में हमें दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो टाइम टेस्ट तुम्हारे को बहुत रेडी बनाएगा, स्पेशली फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ द इंटरव्यू, कि हमें एक घंटे में दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये सब चीजों के लिए तुम्हें मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, है ना। दिस इज होल फॉर द इंटरव्यू पार्ट, है ना। तुम्हें इंटरव्यूज के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ है यहाँ, मॉक टेस्ट है, OS है, DBMS है, सिस्टम डिजाइन है, कंप्यूटर नेटवर्क्स आने वाला है, एप्टीट्यूड ऑलरेडी है, राइट। ये सब चीजें हो गई हैं। इसके अलावा तुम्हें अगर इंटरव्यूज के लिए मैंने बोला कोई टॉपिक वीक है उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। इंटरव्यू एक्सपीरियंस का सेक्शन पूरा एकदम ब्रॉडर तरीके से बना हुआ है, तो प्लीज यूटिलाइज दैट एज वेल, है ना। अब मैं बात करूंगा इंटरव्यूज के बाद जो और नेक्स्ट फेज का होता है, लोग जो सोचते हैं कुछ लोगों को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी होती है, है ना। तो बेसिकली हमारा एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का भी गाइड पाता है, उसके अंदर भी नोट्स बने हुए हैं, है ना, स्ट्रक्चर्ड वे में कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स करनी है, नॉट ओनली ऑन अवर प्लेटफॉर्म, तुम्हें कोड फोर्सेस, कोड शेफ पे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, वो भी हमने अपने गाइड पाथ में दे रखा है। तो उसको बहुत अच्छे से तुम अगर लुकअप करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा यार कितना अमेजिंग गाइड पाथ बना हुआ है, है ना। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बैठ के सब कुछ अगर तमीज से ढंग से लग के पढ़ूंगा तो मैं सब कुछ सीख सकता हूँ। तो तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का गाइड पाथ भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो और एब्सोल्युटली फ्री है, दीज ऑल थिंग्स आर एब्सोल्युटली फ्री। अच्छे से पढ़ाई करो और तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा चीजें सीखने में, है ना। इसके अलावा एक बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट का गाइड पाथ भी है, किसी को जावास्क्रिप्ट सीखनी है वेब डेवलपमेंट के लिए बेसिक सी, तो वो जावास्क्रिप्ट सीखना शुरू कर सकता है ना। उसको भी हमने बिल्कुल बेसिक ऑफ सी प्लस प्लस जावा पाइथन की तरह बना रखा है कि जावास्क्रिप्ट के ऊप्स कॉन्सेप्ट में क्या होता है ना, जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स वगैरह क्या होता है, अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो जावास्क्रिप्ट में कैसे होंगी। तो एक बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट का गाइड पाथ भी लॉन्च हो गया है, उसको अच्छे से एक्सप्लोर करो। फ्यूचर में वेब डेवलपमेंट के बहुत सारे गाइड पाथ आने वाले हैं, आई थिंक तुम लोगों की रिक्वायरमेंट थी, तो स्टे एक्टिव ऑन दैट प्लेटफॉर्म। हम लोग आते लाते रहते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है बट इवेंचुअली और भी गाइड पाथ आते रहेंगे, और भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस तो हम डेली डाल ही रहे होते हैं। हमने मॉक टेस्ट ले आए हैं, वो आने वाला है ना। फ्यूचर में वी वर थिंकिंग ऑफ होल्डिंग कॉन्टेस्ट एज वेल, वो भी जल्दी आएगा तुम्हारे लिए कि तुम लोग आपस में बेसिकली कॉम्पीट करो और इवेंचुअली ग्रो करोगे, तो वी आर प्लानिंग टू होल्ड कॉन्टेस्ट एज वेल, है ना। इसके अलावा, इन सब फीचर्स के अलावा, अगर तुम्हें लगता है कि हम कोई फीचर मिस कर रहे हैं, तुम चाहते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे ये फीचर आ जाए, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी रियली रियली हैप्पी टू हियर दैट। मुझे बहुत मजा आता है तुम्हारे कमेंट सुन के, क्योंकि जो तुम चाहते हो वी ट्राई टू पुट दैट ऑन द प्लेटफॉर्म, है ना। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली तुम्हें अच्छे से रिसोर्सेज प्रोवाइड करने और तुम लोग अच्छे से सीखो और पढ़ाई करो, है ना, दैट इज वॉट यू वॉन्ट। तो बेसिकली तुम्हारा कोई भी रिक्वायरमेंट हो वो हम ट्राई करेंगे कि हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें, है ना। इसके अलावा तुम्हारा कैसा फीडबैक है अभी तक कोड स्टूडियो को लेकर, कोई तुम्हें लगता हो यार यहाँ ये गड़बड़ है, वो प्लीज ऑनेस्टली शेयर दैट फीडबैक, वी विल बी रियली हैप्पी टू हियर दैट, वी विल बी रियली हैप्पी टू वर्क ऑन दैट, है ना। हम लोग बहुत सोच समझ के तुम्हारे फीडबैक्स ले लेके प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, तुम जैसा चाहते हो वैसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, तो प्लीज शेयर योर फीडबैक्स रेगुलरली, और हमारे को बस सपोर्ट की जरूरत है, तो लाइक वगैरह कर दिया करो, शेयर कर दो प्लेटफॉर्म को, शेयर कर दो
इस वीडियो को, जिससे कि सब लोग यूटिलाइज कर सके, सब लोग पढ़ाई करें, आपस में इंटरेक्ट कर करके पढ़ाई करें. सो मेक श्योर यू डू दैट. इसके अलावा तुम्हारा कोई और रिकमेंडेशन हो, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ दैट, कोई और वीडियो चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. एंड आई विल बी रियली हैप्पी अगर तुम इस वीडियो को शेयर करोगे और बेसिकली ज्यादा से ज्यादा लोग कोड स्टूडियो पर आएंगे. सो दैट विल बी अमेजिंग. सो मीट यू ऑन कोड स्टूडियो, है ना. जल्दी से आओ, कोड स्टूडियो एक्सप्लोर करो और अच्छे से पढ़ाई करो. चलो, गुड लक.